इस ब्रदर का नाम अमन है और ये दिल्ली से आए हैं और ये ब्रदर द गॉड हेवन चर्च के साथ दिसंबर 2023 से कनेक्टेड है और ये क्रिसमस और न्यू ईयर की मीटिंग में परमेश्वर के भवन में आए थे और ये ब्रदर बताते हैं कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया। सभी जन ध्यान से सुनेंगे। ये ब्रदर बताते हैं कि एक साल से इनके स्टोन थी, यानी कि पत्थरियाँ थी और वो तीन थी, एक 20 mm की, एक 5 mm की, एक 2 mm की। और ये बताते हैं कि इनको कई बार किडनी में इतना प्रॉब्लम होता था क्योंकि जो स्टोन्स थी, जो ये पत्थरियाँ तीन पत्थरियाँ थी, वो इनकी किडनी में थी। और ये बताते हैं कि उसकी दर्द के कारण, क्योंकि वो दर्द इनके सहने के बाहर हो जाता था, और ये ब्रदर बताते हैं कि उसके लिए इन्हें लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये 3 दिन इस दर्द के कारण, जो कि इनको स्टोन का पेन हो रहा था, उसके कारण ये 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। और ये ब्रदर बताते हैं क्योंकि ये अभी कुछ ही 6 महीनों से ही परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं और ऑनलाइन हर एक सुबह शाम की प्रार्थना को ये रेगुलर सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगे हैं, प्रभु को और भी ज़्यादा नज़दीक से ये जानने और पहचानने लगे हैं कि वो परमेश्वर अद्भुत और बड़े कामों को करते हैं। और जब ये ब्रदर बड़ी मीटिंग में क्रिसमस में आए थे तो इन्होंने तब भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को गवाहियों के रूप में परमेश्वर के भवन में सुना था और देखा भी था। और ये ब्रदर बताते हैं कि लास्ट रविवार 28 अप्रैल को ये ब्रदर बताते हैं कि मैंने फास्ट रखा था और क्योंकि इनको स्टोन्स थी, ये 3 पत्थरियाँ थी, जिसके कारण ये ब्रदर बताते हैं कि ये फास्ट नहीं कर पाते थे। बहुत सारे ऐसे काम थे जो ये नहीं कर पाते थे क्योंकि इन्हें ये लगता था कि मुझे दर्द हो जाएगी और मुझे मेडिसिन भी लेना है। और ये ब्रदर बताते हैं कि लास्ट संडे की मीटिंग में इन्होंने फास्ट किया और ये ब्रदर बताते हैं कि सिर्फ 30 मिनट का फास्ट इन्होंने किया और 30 मिनट ही ये भूखे रह पाए थे। और ये ब्रदर बताते कि जैसे ही प्रार्थना सभा शुरू हुआ था, जब ये बताते कि स्टार्टिंग प्रेयर हो रहा था और ये बताते कि उसी दौरान इन्होंने बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया कि आज मैं विश्वास के साथ फास्टिंग सत परमेश्वर के सम्मुख आया हूँ। और ये ब्रदर बताते कि जैसे ही इन्होंने स्टार्टिंग प्रेयर को अपने घर में ऑनलाइन ऑन किया और ये ब्रदर बताते हैं कि प्रार्थना के दौरान ही 5 mm और 2 mm की जो पत्थरियाँ थी वो इनके यूरिन के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर आई। और जो कि आप देख पा रहे हैं वो जो छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं वो स्टोन्स जो थी वो स्टार्टिंग प्रेयर में ये ब्रदर बताते हैं कि बाहर आ गई थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि फिर इन्होंने खाना खाया और उसके बाद ये लगातार जो लास्ट रविवार यानी 28 अप्रैल को जो संडे की प्रार्थना सभा चल रही थी और ये ब्रदर बताते हैं कि रेगुलर प्रार्थना सभा में बने हुए थे। और बताते कि जब पास्टर जी मास प्रेयर कर रहे थे और कहते कि जब उसमें घोषणाएँ हो रही थी तो मैं पॉजिटिव वर्ड हर एक रिसीव कर रहा था। और ये ब्रदर बताते कि अभी मास प्रेयर पूर्ण रीति से समाप्त भी नहीं हुई थी और जो 20 mm की स्टोन इनके किडनी में रह गई थी और ये ब्रदर बताते हैं कि वो भी मास प्रेयर के दौरान इनके किडनी से बाहर आ गई यूरिन के जरिए। सभी जन जोरदार इस अद्भुत और जीवित गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि ब्रदर बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे और परमेश्वर इनके विश्वास का आदर किया और इन्हें एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने इस स्टोन से, इन पत्थरियों से दिया है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करेंगे। ये ब्रदर बताते हैं कि जब अभी इनकी 5 mm और 2 mm की स्टोन्स जब बाहर आ गई थी और ये ब्रदर बताते कि उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और ये कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे सहने से बिल्कुल बाहर है, बोलते कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और इसका जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, मैं उसके अनुसार करूँगा। और फिर भी ये बताते हैं कि जो प्रार्थना सभा जो लास्ट रविवार की चल रही थी, फिर भी ये दर्द के साथ ही बैठे रहे कि चलो और थोड़ा प्रार्थना कर लेता हूँ, थोड़ा और प्रार्थना कर लेता हूँ। और परमेश्वर ने सच में बड़े विश्वास का इनके का आदर किया और अद्भुत और छुटकारा दिया है। सभी जन एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें इस दिए गए छुटकारे के लिए। जोरदार ताले के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने mm की थी इनकी स्टोन? 20 mm की थी, एक 5 mm की थी, एक 2 mm की थी। जो 5 mm की थी वो कट के 2 भागों में निकली है। हालेलुया। और कितनी रहती है? पास्टर जी कोई नहीं है अब।
तो बोलो ना कि सारी निकल गई है। हालेलुया। तीनों के तीनों पत्रियां बाहर निकल चुकी है। सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। इसलिए जब मास प्रेयर की जाती है तो पवित्र आत्मा मुझे बताता है, और मैं आपको लास्ट संडे से मैं आपको बता रही हूँ कि आप परमेश्वर के विजिबल ग्लोरी को देखने वाले, मतलब देखेंगे अपने शरीर में, अपने अंदर में, कि परमेश्वर आपका ट्रीटमेंट करना शुरू कर चुका है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो लोग मास प्रे में जो घोषणाएं होती है उसको रिसीव करते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने शरीर के लिए, जो बोला जाता है। हालेलुया। कई लोग सोचते होंगे कि ये ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है। ये हालेलुया। और जब घोषणा की जाती है तो आपने रिसीव करना है, उसे ग्रहण करना है, आपको सिर्फ बोलना ही है। और कौन ट्रीटमेंट करने के लिए चला जाता है? तो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है जब घोषणाएं की जाती है, और जब उसे रिसीव करते हैं तो परमेश्वर बंधन को तोड़ देता है। हालेलुया। क्या कर देता है? बोले वो बंधनों को तोड़ देता है। जोर से ताले बजा इस बड़ी गवाही के लिए। जो कितनी एमएम थी? एक 20 एमएम की थी, एक 5 एमएम की और एक 2 एमएम की। और जब इतने एमएम की जब पथरी होती तो क्या होता ब्रदर, मुझे बताना जरा। नहीं, रास्ता नहीं था निकलने का। 4 एमएम और नीचे से उस नली का साइज 9 एमएम होता, उससे फालतू निकल नहीं सकती। देख लो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब बताओ ये गवाही झूठ की है कि सच्चे की है? बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा ही है, अरे चर्च में ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। ब्रदर, हमने आपने कभी मुझसे बात की है? नहीं नहीं पास्टर जी। कभी मैंने आपको फोन किया है? नहीं पास्टर जी। कभी भी नहीं किया है? नहीं कभी। बस अपने मीटिंग अटेंड किया और आप ऑनलाइन ही जस्ट सुन रहे थे, तो फिर जो यहाँ बैठे उन लोगों को तो और मिल जाना चाहिए था जो ऑनलाइन सुन के इतना पा चुके हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। तो देख लो उतना जगह नहीं थी निकलने की, लेकिन वो क्रिएटर को पता है कि कैसे निकालना, और परमेश्वर को निकालना आता है। हालेलुया। बोलो वो मेरा ग्रेट, बोलो मेरा फिजिशियन है। बोलो बोलो वो मेरा कौन है? वो डॉक्टर है, वो जीसस है। बोलो जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। बोलो जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। बोलो यदि आप ऑपरेशन के लिए बुक किए गए हैं, आपके विश्वास के द्वारा, आपके फास्टिंग के द्वारा, जब अभी इन्होंने बताया कि कितने देर की आपने फास्टिंग, कभी आपने फास्टिंग की है? हाँ जी, सिर्फ 30 मिनट की थी। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम फास्टिंग थी जी। देख लो, फर्स्ट टाइम फास्टिंग जिन्होंने किया उनका प्रभु ने कितना बड़ा आदर भी कर दिया। हालेलुया। ये मत सोचो कि हम पूरे दिन फास्टिंग करते तो हमारा आदर नहीं करता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको बरक भी रहा होगा, और एक बड़ी कमाई के लिए प्रभाव को तैयार कर रहा है। हालेलुया। अब कोई पत्री नहीं है? नहीं, कोई पत्री नहीं है। कोई नहीं, कोई भी नहीं। ऊंची ऊंची बोलो, कोई भी नहीं, कोई भी पत्री नहीं है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया।